हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका पवार फ्रॉम डैट देहरादून। आज हम बात करेंगे कि कक्षाओं में बीजीय अवधारणा अर्थात एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत किस प्रकार की जाए, क्योंकि बच्चे हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस और विजुअलाइजेशन करके बहुपदों अर्थात पॉलिनोमियल्स को सही तरीके से समझ सकते हैं। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं वेरिएबल अथवा चर एक्स के द्वारा। सबसे पहले हम बच्चों को एक एक्स आकार का वर्ग काटने को कहेंगे। इस तरीके से इस वर्ग में हम एक तरफ ब्लू कलर और इसकी दूसरी तरफ हम करेंगे लाइट ब्लू कलर। तो ये जो एक्स आकार का हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारा प्रदर्शित करेगा एक्स स्क्वायर को, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की टाइल है, इसको हम टाइल भी नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से एक्स लंबाई से कम लंबाई का एक दूसरा स्क्वायर हमने काटा और इसके एक तरफ हमने किया येलो कलर और दूसरी तरफ हमने किया लाइट येलो कलर। इसकी लंबाई हमने ली y, तो ये जो प्रदर्शित करेगा, ये हमारा प्रदर्शित करेगा y स्क्वायर की टाइल को। इसी प्रकार एक तीसरी टाइल हम काटेंगे जिसकी लंबाई होगी x और चौड़ाई होगी y, और इसके एक तरफ हम करेंगे ग्रीन कलर और दूसरी तरफ हम करेंगे लाइट ग्रीन कलर। तो x लंबाई और y चौड़ाई वाली ये जो टाइल है, ये प्रदर्शित करेगी आपका एक्स वाई टाइल को। अब दूसरी बात ये आती है कि एक तरफ तो हम टाइल्स के कर रहे हैं डार्क कलर और दूसरी तरफ हम कर रहे हैं लाइट कलर। तो लाइट कलर को हम प्रदर्शित लाइट कलर को हम उस टाइल का एडिटिव इन्वर्स प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हमारे पास ये ब्लू कलर की टाइल है और ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो इसका एडिटिव इन्वर्स यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर होगा हमारा लाइट ब्लू। इसी तरीके से येलो है हमारे पास वाई स्क्वायर, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार ये है ग्रीन एक्स वाई, लाइट ग्रीन की साइड होगी हमारी माइनस एक्स वाई। आइए अब देखते हैं कि इन टाइल्स के द्वारा हम बहुपदों को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो एक तरफ हो गए हमारे पास बहुपद और एक तरफ है हमारे पास उनको प्रदर्शित करने का तरीका। इधर अगर हमने लिया बहुपद में 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की कितनी टाइल हो जाएंगी हमारे पास, तीन टाइल, एक दो और तीन। तो ये हमारा प्रदर्शित करेंगी 3x स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम लें माइनस 2y स्क्वायर, तो y स्क्वायर वाली हमारे पास टाइल्स होंगी, लेकिन उनका पीछे वाला पोर्शन जो लाइट येलो कलर से किया है, ये प्रदर्शित करेगा आपका माइनस 2y स्क्वायर। इसी तरह अगर हम लें 3xy, तो आपको xy वाली टाइल्स लेनी है, तो एक दो और ये तीन, ये प्रदर्शित करेगा आपका 3xy। अगर हम लें 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर मतलब आपको लेनी है दो ब्लू टाइल्स माइनस 2xy मतलब ग्रीन कलर की, लेकिन पीछे लाइट ग्रीन वाला पोर्शन, माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर मतलब येलो कलर की एक टाइल। तो
तो इस प्रकार आपने देखा कि बहुपदों को हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, और कक्षा में बच्चों को इन टाइल्स के द्वारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी हो सकती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।